सब्सक्राइब करें सक्सेस थ्रिविंग चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस थ्रिविंग चैनल में। और आज के वीडियो में हम जानेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एफटीसी यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कॉन्ट्रैक्चुअल का जो एग्जाम हुआ है ग्रुप सी ग्रुप डी का, और फाइनल रिजल्ट भी इनका डिक्लेयर कर दिया गया है, परंतु वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग में क्यों देरी हो रही है, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कब तक हो सकती है ज्वाइनिंग। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, जानते हैं वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग से रिलेटेड सभी बातों को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एफटीसी के लिए चार पोस्ट निकाली गई थी, पोस्ट कोड 1, पोस्ट कोड 2, पोस्ट कोड 3, 4। तो जिसमें पोस्ट थी, पोस्ट कोड 1 पे पीए पर्सनल असिस्टेंट, पोस्ट कोड 2 पे था क्लास 3 पोस्ट यानी कि क्लर्कियल पोस्ट, और पोस्ट कोड 3 पे था क्लास 4 यानी कि ग्रुप डी के पोस्ट थे ऑर्डली और प्यून, और पोस्ट कोड 4 पे था कॉन्ट्रेक्चुअल आईसीटी पोस्ट यानी कि आईटी सपोर्टिंग स्टाफ का। तो ये चार पोस्ट निकाले गए थे, और ये पोस्ट निकाले गए थे, आपका जो रिक्रूटमेंट निकला था इसका एफटीसी का 8 जून 2017 को निकला था, ठीक है। तो जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी से हमने बात किया है कि आखिर ग्रुप सी और ग्रुप डी का आप फाइनल रिजल्ट दे चुके हैं जून में यानी कि 2 जून 2018 को, परंतु इसकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही अब तक, क्यों देर हो रहा है। तो जो बात निकल कर आ रही है वहाँ से जो रिप्लाई दिया गया है, बात ये है कि उन लोगों का कहना है कि हमने स्टेज वन एग्ज़ाम जैसे रिक्रूटमेंट निकला था 8 जून 2017 को, और हमने स्टेज वन एग्ज़ाम जुलाई में सभी पोस्ट का करा लिया था, ठीक है। यानी कि जुलाई में अलग अलग डेट में हुआ था, जैसे पर्सनल असिस्टेंट का स्टेज वन एग्ज़ाम 15 जुलाई कुछ हुआ था, और ऐसे ही आईसीटी का 16, और क्लर्कियल का 23, और ग्रुप डी का 22 जुलाई को हुआ था। यानी कि जुलाई में सभी पोस्ट का स्टेज वन एग्ज़ाम हो चुका था। और इसी तरह पे उनका कहना है कि हमने रिजल्ट भी जो इन चारों पोस्ट का अक्टूबर में डिक्लेयर कर दिया था, 13 अक्टूबर तक सभी पोस्ट का स्टेज वन का रिजल्ट, और स्टेज टू का एग्ज़ाम यानी कि क्लर्कियल का टाइपिंग नवंबर से दिसंबर तक चला था, और ग्रुप डी का स्टेज टू का एग्ज़ाम नवंबर 30 तारीख को हुआ था, और पीए का स्टेज टू का एग्ज़ाम अप्रैल 12 और 13 को हुआ था। और इसी तरह आईसीटी का एक बचा था, इसमें जो आईसीटी पोस्ट थी पोस्ट कोड 4 पे जो मैंने दिखाया ये पोस्ट, इसका एग्ज़ाम बचा था स्टेज टू का, जो 5 अगस्त 2018 को कराया गया, जो इनका प्रैक्टिकल टेस्ट था, ठीक है। तो इस तरह से उनका कहना है कि सब चीज़ कंटिन्यू चली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इन्होंने सब चीज़ कंटिन्यू रखा, अपने हिसाब से सब कराया। और अभी आईसीटी का 21 अगस्त 2018 को ऑब्जेक्शन भी आंसर की के द्वारा कराया गया था, जो ऑब्जेक्शन था और आंसर की स्टेज टू का डिक्लेयर किया गया था। और फिर एक बात आती है, जो फाइनल रिजल्ट जो ग्रुप सी यानी कि क्लर्कियल का और ग्रुप डी का इन्होंने 2 जून 2018 को डिक्लेयर कर दिया था। तो इनका बात यही कहना है कि हमने फाइनल रिजल्ट क्लर्कियल और ग्रुप डी का तो कर दिया था, परंतु जो मेन बच रहा है अभी पीए का रिजल्ट बच रहा है, ठीक है। पीए का भी रिजल्ट बच रहा है फाइनल रिजल्ट, और आईसीटी का फाइनल रिजल्ट बच रहा है, क्योंकि आईसीटी का सेकंड स्टेज का एग्जाम इन्होंने करा लिया है, ऑब्जेक्शन भी करवा लिया है, सेकंड स्टेज का आंसर की भी डिक्लेयर कर दिया है, परंतु अभी फाइनल रिजल्ट बच रहा है। तो इनका कहना है कि फाइनल रिजल्ट दोनों का यानी कि पीए का और आईसीटी का इस महीने यानी कि सितंबर के लास्ट वीक तक या 15 सितंबर के बाद डिक्लेयर हो जाएंगे दोनों के, पीए का भी रिजल्ट और आईसीटी का। और हम लोग एक अपॉइंटमेंट लेटर नोटिस जारी करेंगे अक्टूबर तक, और सभी पोस्ट के चारों पोस्ट का एक साथ अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाएगा यानी कि अक्टूबर में। तो इसलिए ये रुका हुआ था क्योंकि इनको सभी का एक साथ कराना था, क्योंकि ये संविदा की पोस्ट थी, कॉन्ट्रेक्चुअल थी जैसा कि आप जानते हैं, और इनका ज्वाइनिंग टाइमिंग जो ज्वाइन टाइम जो होता है सेम चलेगा, मतलब तो सेम करने के लिए इन्होंने
इसको थोड़े देर रोक कर रखा ग्रुप सी और ग्रुप डी के वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग को। तो अब इन्होंने इसका भी एग्जाम ले लिया है जो आईसीटी बचा था, और पीए का तो एग्जाम पहले ही लिया था इन्होंने, स्टेज टू का अप्रैल में ही लिया था। तो इस वजह से सब कुछ रोक कर इन्होंने सबको साथ लेकर चलने का मकसद बनाया है। तो इनका कहना है कि सबका साथ में ज्वाइनिंग कराया जाएगा, इसलिए सब कुछ रोका गया था। और अक्टूबर तक जो आपका है अपॉइंटमेंट लेटर का नोटिस वेबसाइट इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, और अपॉइंटमेंट लेटर होम एड्रेस पे सबके डिस्पैच कर दिया जाएगा, जिसके बाद 15 दिन का समय आपको मिलेगा अपना वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब तैयार करने का। और 15 दिन के बाद आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर आएगा आपके घर पे, उसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया होगा, उस डिस्ट्रिक्ट पे जाकर आपको अपना वेरिफिकेशन कराना होगा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कराना होगा उस डिस्ट्रिक्ट पे जाकर, और उसके बाद आपको नवंबर से ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये बात एकदम क्लियर है और एकदम सच्चाई के साथ मैं बता रहा हूँ, पता चला है। तो नवंबर तक आपका सबको ज्वाइनिंग हो जाएगा। और मैं ग्रुप सी और ग्रुप डी वालों से कहना चाहूँगा कि आप सभी ने बहुत वेट किया, 3 महीना हो गया है लगभग आपका रिजल्ट निकले हुए, बस थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, और अक्टूबर में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा निश्चित है, और नवंबर तक ज्वाइनिंग आप लोगों को मिल जाएगी सभी पोस्ट को। तो बस एक डेढ़ महीने की बात और है, तो इतना दिन वेट किए और वेट कर लीजिए, और ये में भी हो सकता है आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अब बने रहे सक्सेस थ्राइविंग चैनल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।